हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुनीश भारद्वाज और मैं आपको चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आज, सेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, बहुत से न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट टू लेक्चर्स में तो बेटे जस्ट जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होता है वही चलेगा। मेनली प्लस वन का सिलेबस स्टार्ट होता है जब हम आपको सब सेट्स से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज आपको मैं सेट्स के बारे में थोड़ा सेट्स का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सेट्स के इंट्रोडक्शन में बेटा सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊंगा, भाई सेट की डेफिनेशन बताना चाहूंगा मैं आपको, सेट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो बेटे सेट की डेफिनेशन में जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखी है तो उसमें लिखा है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। क्या बोल रहा है वो मुझे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब ये चार बातें हो रही हैं, सिर्फ चार बातें हो रही हैं। क्या चार बातें हो रही हैं, एक हो रही है कलेक्शन, एक हो रहा है वेल डिफाइंड, एक हो रहा है डिस्टिंक्ट और एक चीज हो रही है ऑब्जेक्ट। जहां ये चार चीजें आ जाएंगी वो सेट बन जाएगा। मतलब पहली चीज क्या बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, कलेक्शन, फिर क्या बोल रहा हूं वेल डिफाइंड, फिर क्या बोल रहा हूं डिस्टिंक्ट और फिर क्या बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट। मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जहां ये चार चीजें होंगी, क्या बेटे, एक बात बोलो कलेक्शन, दूसरी बात वेल डिफाइंड, तीसरी बात डिस्टिंक्ट और चौथी बात ऑब्जेक्ट। कलेक्शन जैसे मैंने कह दूं कि भाई मेरे पास जैसे मैंने नंबर लिखे हैं, वन लिखा है, टू लिखा है, फाइव लिखा है, तो ये कलेक्शन है, कलेक्शन है। कितने नंबर लिखे हैं मैंने, तीन लिखे हैं। उसके बाद तीसरी चीज है डिस्टिंक्ट। आप देख रहे हो वन टू फाइव सारे के सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट हैं कि नहीं। और चौथी चीज वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के नाम पे यहां क्या है बेटा, नंबर है। ऑब्जेक्ट के नाम पे यहां क्या है, नंबर है। तो मतलब कलेक्शन, जैसे मैंने तीन नंबर लिख दिए, कलेक्शन हो गई, डिस्टिंक्ट है एक दो पांच, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है सभी। ऑब्जेक्ट के नाम पे यहां क्या है, ये नंबर है। और वेरी इंपॉर्टेंट जिसको भी मैंने डिस्कस नहीं किया होता है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड की प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज बाकी सब चीजें आपको सेट में मिल जाती हैं। वेल डिफाइंड क्या होता है बेटे, वेल डिफाइंड उस चीज को बोलते हैं जिस चीज में सभी लोग एकमत हों, मतलब जहां पर्सन टू पर्सन वेरिएशन ना आए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। और जो चीज वेल डिफाइंड होगी, कलेक्शन होगी, वेल डिफाइंड होगी, डिस्टिंक्ट होगी, ऑब्जेक्ट होगी, वो चीज हमारी क्या कहलाती है, सेट कहलाती है। जैसे अभी आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे इसने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है बेटे, और फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने ले रखा है, मैं देख रहा हूं, जिसमें कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन नाइन। क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन नाइन, नाइन से छोटे ऑड नेचुरल नंबर। अब नाइन से छोटे बोलो, वन आ गया, थ्री आ गया, फाइव आ गया, सेवन आ गया। क्यों भाई, नाइन से छोटे यही है, नेचुरल नंबर लेने हैं और ऑड लेने हैं, तो ये ऑड हैं, ठीक है, सभी ऑड हैं, नेचुरल नंबर हैं बिल्कुल। और नौ से छोटे हैं, सात के आगे आठ होता है वो इवन होता है, और नौ से छोटे लेने हैं तो यहीं तक रुक गए। तो पहली बात बताओ, यहां कलेक्शन है कि नहीं, हाँ कलेक्शन है। क्यों है कलेक्शन भाई, कलेक्शन क्यों है, आप देख रहे हो तीन चार चीजें पड़ी हैं हमारे पास, चार चीजें हैं, ठीक है, कलेक्शन है। दूसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है वेल डिफाइंड। हाँ ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको क्या कहा, जहां पर्सन टू पर्सन वेरिएशन नहीं होती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। और यह पर्सन टू पर्सन वेरिएशन नहीं है, बींग अ टीचर अगर मेरे को कोई पूछे भाई नाइन से छोटे ऑड नेचुरल नंबर बोलो, तो मैं क्या बोलूंगा, एक तीन पांच सात। और आप बींग अ स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई नाइन से छोटे ऑड नेचुरल नंबर बोलो, तो आप भी क्या बोलेंगे, एक तीन पांच सात। किसी थर्ड पर्सन को भी पूछ लो जिसे थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स आता है, उसे हम बोले भाई नाइन से छोटे और नेचुरल नंबर बोलो, तो वो भी क्या बोलेगा, एक तीन पांच सात। पर्सन टू पर्सन वेरिएशन तो नहीं आएगी यहां, ठीक है। तो ये चीज क्या है बेटा, वेल डिफाइंड है, कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है। तीसरी चीज होती है डिस्टिंक्ट। तो बेटा डिस्टिंक्ट तो है ही, अरे डिस्टिंक्ट नजर आ रहे हैं कि नहीं, वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, सब अलग अलग है, डिस्टिंक्ट भी है। और चौथी चीज होती है हमारी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के नाम पे यहां पे बेटा क्या है, नंबर है। तो ये कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है, ये डिस्टिंक्ट भी है, ऑब्जेक्ट के नाम पे ये नंबर है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेट। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दूसरे एग्जांपल में वो हमें बोल रहा है बेटे
और क्या बोल रहा है दूसरे एग्जाम्पल में, अ कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब आप मुझे बताइए इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवल्स क्या होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ और यू, यही होते हैं कि नहीं वॉवल्स? ठीक है, अब हमें यह कहा जा रहा है ए ई आई ओ यू, ये जो कलेक्शन है किसकी कलेक्शन है, वॉवल्स की है इंग्लिश अल्फाबेट अल्फाबेट्स में, क्या ये सेट है, मेरे से पूछा जा रहा है। अब सेट कब होगा, आपको पता है सेट में मैं चार बातें देखूंगा, पहली बात कलेक्शन, हाँ कलेक्शन है भाई, पांच चीजें नजर आ रही हैं। दूसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेटा, क्या वेल डिफाइंड, दूसरी थिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब जहां पर्सन टू पर्सन वेरिएशन ना आए। कोई मेरे से पूछे कि सर इंग्लिश अल्फाबेट्स में बॉबल्स क्या होते हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा, ए ई आई ओ यू। और अगर आपसे पूछे इंग्लिश अल्फाबेट्स में बॉबल्स क्या होते हैं, उसका आंसर भी, आपका आंसर भी क्या होगा, ए ई आई ओ यू। थर्ड पर्सन से भी पूछे जाए तो वो भी यही आंसर देगा, तो वेल डिफाइंड है कि नहीं। तीसरी चीज क्या देखते हैं बेटे हम, डिस्टिंक्ट, हाँ सारे अलग अलग हैं कि नहीं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, सब अलग अलग हैं कि नहीं। और चौथी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या देखते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स के नाम पे यहां पे क्या दे रखे हैं मैंने आपको, अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। ऑब्जेक्ट के नाम पे मैंने क्या दे रखे हैं आपको, अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, क्लियर है कि नहीं। तो बेटे ये भी क्या हुआ, सेट हुआ, अरे ये भी क्या हो गया, सेट हो गया। सेट में मतलब हमें चार चीजें देखनी है, कलेक्शन, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा एक ही चीज होती है वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड वो चीज होती है जहां पर्सन टू पर्सन वेरिएशन नहीं होती। अगला एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, कलेक्शन ऑफ थ्री गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। क्या कहा मैंने, कलेक्शन ऑफ थ्री गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, कि मैंने इंडिया के, इंडिया टीम के तीन अच्छे क्रिकेट खेलने वाले तीन अच्छे प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं, क्या ये सेट है। अब तीन अच्छे प्लेयर अगर मुझे लिखने होंगे तो मैं तीन प्लेयर्स लिख देता हूं, इंडिया टीम के तीन अच्छे प्लेयर्स, तो मैंने लिख दिया जी एमएस धोनी, ठीक है, एक ये प्लेयर ले लिया मैंने, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा लिख दिया मैंने, एमएस धोनी लिख दिया, रोहित शर्मा मैंने लिख दिया। तीसरा मैंने लिख दिया बेटे विराट कोहली, ठीक है, मेरी नजर में ये तीन अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं इंडिया के, मैंने मेरी नजर में, ठीक है। अब और वो मुझे पूछ रहा है क्या ये सेट है, पहली बात क्या होती है बेटे, कलेक्शन, यस कलेक्शन के नाम पे मैंने तीन प्लेयर रखे हैं। दूसरी बात वेल डिफाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट वेल डिफाइंड, और तीसरी बात क्या होती है डिस्टिंक्ट, हां भाई ये डिस्टिंक्ट है कि नहीं, डिस्टिंक्ट है ये आप देख रहे हैं। चौथी चीज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नाम पे यहां पर्सन आ गए। मेन चीज क्या है यहां पे, वेल डिफाइंड, की चीज वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड वो चीज होती है जहां पर्सन टू पर्सन वेरिएशन नहीं होती। ये मैंने वो तीन क्रिकेट प्लेयर लिखे हैं इंडिया के जो मेरी नजर में अच्छे हैं, उसने कहा भाई इंडिया टीम के तीन गुड क्रिकेट प्लेयर्स के नाम बताओ, मैंने बता दिए एम एस धोनी, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। क्या आप लोग इससे एग्री करते हैं, जरूरी नहीं कि आप इससे एग्री करें, मेरी नजर में एम एस धोनी है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। हो सकता है आपकी नजर में ठीक है जी एम एस धोनी है, एम एस धोनी है, रोहित शर्मा भी है, आप बोले एम एस धोनी भी है, रोहित शर्मा भी है, लेकिन हो सकता है कि आप में से कोई बोले नहीं उसकी नजर में विराट कोहली नहीं, कोई और अच्छा प्लेयर हो सकता है, कोई और अच्छा प्लेयर हो सकता है उसकी नजर में, अरे ठीक है कि नहीं, उसकी नजर में कोई और भी अच्छा प्लेयर हो सकता है, या आपकी नजर में जरूरी तोड़ना कि यही तीन अच्छे प्लेयर होंगे, तो यह पर्सन टू पर्सन क्या आ सकती है वेरिएशन। मेरी नजर में ये तीन अच्छे प्लेयर हैं, आपकी नजर में दो तो मेरे साथ कॉमन हो सकते हैं, तीसरा कोई और हो सकता है, या हो सकता है तीनों के तीनों आपकी नजर में ये ना हो कोई और हो, तो यहां पर्सन टू पर्सन क्या आ रही है बेटा, वेरिएशन आ रही है, और यहां पर्सन टू पर्सन वेरिएशन आ रही है, इसका मतलब ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है, और अगर ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है तो बेटे इसे हम सेट नहीं बोल सकते। सेट के लिए कलेक्शन, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट, चार बातें, कलेक्शन होगी, डिफाइंड, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मेन प्रॉब्लम होती है वेल डिफाइंड होना, और वेल डिफाइंड वो चीज होती है जहां सब लोग एक हों, जहां पर्सन टू पर्सन वेरिएशन आनी शुरू हो जाए उसे हम सेट नहीं बोलते। अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, बिल्कुल आसान आसान एग्जांपल लूंगा जहां से आपको पता लगेगा कि मैं कलेक्शन बताऊंगा कि ये सेट है कि नहीं, आपसे पूछेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, उसमें कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मैंने आपको कहा कलेक्शन दी है मैंने आपको किसकी,
10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर्स। अब देखिए कलेक्शन, यहां कितने लोग बोल रहे हैं कलेक्शन के नाम पे, तो आपको पता है कि यहां 10 नाम लिख दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद वेल डिफाइंड की बात बाद में करता हूं, फिर डिस्टिंक्ट। अब मैं 10 नाम लिखूंगा, 10 के 10 अलग अलग राइटर ही लिखूंगा। ऑब्जेक्ट के नाम पे यहां पे पर्सन आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। मेन चीज है क्या, कलेक्शन के नाम पे 10 लोग हो गए, डिस्टिंक्ट भी लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट के नाम पे ह्यूमन बींग हो गए। मेन चीज क्या है बेटा, वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, मैंने 10 नाम लिख दिए, ठीक है, लेकिन यहां पर्सन टू पर्सन वेरिएशन हो जाएगी। मेरी नजर में जो 10 लोग टैलेंटेड हैं, हो सकता है आपकी नजर में वो 10 लोग टैलेंटेड ना हो, या हो सकता है मैंने जो 10 लिखे उसमें से 8 लोग तो आपकी नजर में भी टैलेंटेड है, लेकिन दो आपने कोई और टैलेंटेड लगते हैं। जो मैंने 2 लिखे हैं 10 के अलावा, जो मैंने 2 8 के अलावा जो मैंने 2 लिखे हैं, वो ना होके आपकी नजर में कोई और 2 टैलेंटेड हो सकते हैं। तो यहां पर्सन टू पर्सन क्या आ जाएगी, वेरिएशन आ जाएगी। पर्सन टू पर्सन वेरिएशन आने का मतलब कि ये चीज वेल डिफाइंड नहीं रहेगी, और ये चीज अगर वेल डिफाइंड नहीं रहेगी तो बेटे ये फिर सेट नहीं कहलाएगा। तो यहां यही इसका आंसर भी किया हुआ है, पहले मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, 5 क्वेश्चन लिखे हैं और फिर आंसर किए, और लिखा है कलेक्शन इज नॉट अ सेट। उसने बोला है कलेक्शन सेट नहीं है, क्यों नहीं है, कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि बोलता है जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है वेल डिफाइंड, कि राइटर का टैलेंट होना मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन उसका टैलेंटेड होना जो है वो वेरी कर सकता है, इसलिए इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते। प्रॉब्लम कहां आई, वेल डिफाइंड में। दूसरा क्वेश्चन लिया है हमने बेटे, और दूसरे क्वेश्चन में हम आपको कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। क्या कह रहे हैं हम, 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब कोई मुझे बोले भी 100 से छोटे नेचुरल नंबर लिखो, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू, मैं कहां तक लिख दूंगा जी, 99 तक। 100 से छोटे नेचुरल नंबर यही होंगे, 1 से पीछे तो कोई नहीं होगा, 1 से पीछे 0 ले लूंगा होल नंबर बन जाएंगे, नेगेटिव ले लूंगा तो इंटीजर बन जाएंगे। तो भाई 100 से छोटे नेचुरल नंबर ये है, क्लियर है, एग्री करते हैं सभी। अब बताइए, और उसने पूछा है क्या ये कलेक्शन जो है सेट है। नंबर वन, सेट के लिए पहले तो कलेक्शन होनी चाहिए, कलेक्शन तो खुद ही बोल रहा है, पर चलो कलेक्शन के नाम पे यहां 99 नंबर मैंने लिखे हुए। दूसरी चीज है वेल डिफाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, मेन चीज होती है वेल डिफाइंड, और ये वेल डिफाइंड है कि नहीं, हां या ना, तो हमने कह दिया हां या ना में हां, ये वेल डिफाइंड है। क्यों है जी वेल डिफाइंड, अगर मैं आपसे पूछूं क्यों है वेल डिफाइंड, क्योंकि मेरे को कोई बोले कि 100 से छोटे नेचुरल नंबर बताओ, तो मैं लिखूंगा 1, 2, 3 अप टू 99। आपसे कोई पूछे 100 से छोटे नेचुरल नंबर बताओ, आप भी लिखेंगे 1, 2, 3 अप टू 99। थर्ड पर्सन से कोई पूछे 100 से छोटे नेचुरल नंबर बताओ, 1, 2, 3 अप टू 99, सभी यही बोलेंगे, कोई और तो नहीं कुछ बोल देगा। तो ये चीज वेल डिफाइंड है, क्योंकि यहां पर्सन टू पर्सन वेरिएशन नहीं हो सकती। तीसरी बात है डिस्टिंक्ट, हाँ नजर आ रहे हैं आपको सारे अलग अलग नंबर हैं। और चौथी बात ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपको पता है ये क्या है भाई, नंबर है। तो बेटे ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन जो है ये कैसी कलेक्शन है, ये कलेक्शन जो है वो सेट है। क्लियर हो गया सेट क्यों है ये कलेक्शन, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, थर्ड वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स की कलेक्शन, अब इवन इंटीजर की जो कलेक्शन होगी वो भी तो सेट होगी, सेट होगा कि नहीं, उसने आंसर दिया है कलेक्शन इज सेट बिकॉज इवन इंटीजर इज वेल डिफाइंड। अब इवन इंटीजर लिखने हैं आप, इवन इंटीजर लिख दो, ठीक है। तो इवन इंटीजर अगर आप लिखेंगे 0, ±2, ±4, ±6 सारे एक जैसे ही लिखेंगे, तो कलेक्शन भी होगी, वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। इस कलेक्शन को हम क्या बोल देंगे भाई, सेट बोल देंगे, ठीक है। जैसे मैंने पूरा एग्जांपल नहीं लिखा यहां पे। उससे नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटे, जब ये आपने बता दिया, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है। अब चैप्टर जैसे मान लीजिए कि आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 है, और एक्सरसाइज 1.1 में लेट अस सपोज कि आपके पास एक क्वेश्चन है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, और उसमें 6 क्वेश्चन है। और मैं आपको कह रहा हूं
कि ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में जो आपके क्वेश्चंस हैं उसकी कलेक्शन जो है क्या सेट है। सेट के लिए बच्चों पहली बात कलेक्शन, कलेक्शन के नाम पे यहां पे मैंने कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं जी, 6 क्वेश्चन लिखे हैं, कलेक्शन है। दूसरी बात वेल डिफाइंड, जो कि मेन चीज होती है वेल डिफाइंड। तीसरी बात होती है डिस्टिंक्ट और चौथी बात होती है ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन तो ओके, कलेक्शन है 6 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है कलेक्शन की हुई है हमने 6 क्वेश्चन की। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है ये कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, और ये वेल डिफाइंड है। अब भाई आप मुझे बताइए एक्सरसाइज 1.1 में, बुक में एक्सरसाइज 1.1 में 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो बेटे मैं टीचर हूं, मेरी नजर में भी वो क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट है आपकी नजर में भी वो क्वेश्चन है, वो ठीक है क्वेश्चन ही है, मेरे लिए भी वो क्वेश्चन है, आपके लिए भी वो क्वेश्चन है, कोई थर्ड पर्सन है उसके लिए भी क्वेश्चन है। कोई ये नहीं बोल देगा हाँ कि ये सारे आंसर है, आंसर थोड़ा ना, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है। तो ये चीज क्या है बेटे, वेल डिफाइंड है, ये चीज क्या है वेल डिफाइंड है। और तीसरी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ही होते हैं। अब एक एक्सरसाइज में अगर 6 क्वेश्चन तो 6 के 6 क्वेश्चन डिफरेंट ही होते हैं, डिस्टिंक्ट ही होते हैं, सेम क्वेश्चन तो नहीं दे देते, थोड़ा बहुत तो चेंज होती है क्वेश्चन में, तो डिस्टिंक्ट भी होंगे। और ऑब्जेक्ट के नाम पे यहां पे क्या है 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कलेक्शन आपकी क्या हो गई, सेट हो गई, क्लियर है। तो ये कलेक्शन क्या निकल के आई है, सेट निकल के आई है। तो ये कलेक्शन जो है ये सेट है। तो उसने यहां यही पूछा था आपसे, अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, और हमने कह दिया कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज अ सेट। यहां मैं एक और क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछता हूं आपसे, और वो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे भी मैंने कहा था कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज अ सेट, और आपने कहा यस सेट है। अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन ऑफ कलेक्शन ऑफ टिपिकल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब क्या बोल दिया मैंने, कलेक्शन ऑफ टिपिकल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर के मतलब एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज 1.1 में जो टिपिकल क्वेश्चन है क्या वो सेट है। अब टिपिकल क्वेश्चन जब मैंने टिपिकल लेटर डाल दिया तो यहां प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे 6 क्वेश्चन है, ठीक है, हैं 6 क्वेश्चन, और मैं कह रहा हूं कलेक्शन किसकी करनी है, टिपिकल क्वेश्चन। अब टिपिकल में बेटा पर्सन टू पर्सन कलेक्शन तो है, 6 क्वेश्चन है, डिस्टिंक्ट भी होंगे, ऑब्जेक्ट भी होंगे, मेन चीज प्रॉब्लम किसको आ जाएगी, अब वेल डिफाइंड को। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी वेल डिफाइंड को, कि जब मैंने कहा टिपिकल क्वेश्चन तो यहां पर्सन टू पर्सन वेरिएशन हो जाएगी। हो सकता है मेरी नजर में पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन टिपिकल है, ठीक है, और हो सकता है आप जो स्टूडेंट है आपकी नजर में दूसरा क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन टिपिकल, ठीक है, हो सकता है किसी की नजर में 6 के 6 क्वेश्चन में कोई भी टिपिकल नहीं है, हो सकता है किसी की नजर में 6 के 6 क्वेश्चन ही टिपिकल है। तो यहां पर्सन टू पर्सन क्या आ जाएगी, वेरिएशन आ जाएगी। कोई बोलेगा कोई भी टिपिकल नहीं है, कोई बोलेगा सारे टिपिकल है, कोई बोलेगा फर्स्ट टिपिकल है, कोई बोलेगा थर्ड टिपिकल है। तो यहां पर्सन टू पर्सन क्या, पर्सन क्या आ जाएगी, वेरिएशन आ जाएगी, और वेरिएशन आ जाएगी तो वो चीज वेल डिफाइंड नहीं रहेगी, और अगर वो चीज वेल डिफाइंड नहीं रहेगी तो फिर वो सेट नहीं होगा, तो फिर वो सेट नहीं कहलाएगा। बेटा पता लगा इस चीज का भी, तो फिर ये सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर सेट है, कोई डाउट नहीं, और कलेक्शन ऑफ टिपिकल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर ये सेट नहीं है, क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट एक और पार्ट है हमारे पास, हम देख रहे हैं, और ये पार्ट में वो हमें कह रहा है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार में जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है उनकी कलेक्शन। अब यहां कलेक्शन के नाम पे तो बहुत से एनिमल्स हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, बहुत से डिस्टिंक्ट हैं, लगभग डिस्टिंक्ट ही होते हैं, ऑब्जेक्ट के नाम पे एनिमल हैं, प्रॉब्लम क्या है, वेल डिफाइंड है, मोस्ट डेंजरस। अब मोस्ट डेंजरस जो है ना बेटा, यहां प्रॉब्लम आ जाएगी। मोस्ट डेंजरस में क्या हो जाएगा बेटे, कि जब हम मोस्ट डेंजरस की बात करेंगे तो यहां ये चीज वेल डिफाइंड नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी ये वेल डिफाइंड, क्योंकि यहां पर्सन टू पर्सन वेरिएशन आ जाएगी। अब मेरी नजर में जो एनिमल डेंजरस है, जरूरी नहीं कि दूसरे की नजर में भी वो डेंजरस हो। अरे कई कई लोग तो छोटी छोटी चीज से डर जाते हैं, ठीक है कि नहीं, और कई लोग उस चीज से नहीं डरते हैं, उस एनिमल से नहीं डरते हैं। तो यहां पर्सन टू पर्सन क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है, और पर्सन टू पर्सन बेटा अगर यहां वेरिएशन है तो फिर इस चीज को हम सेट नहीं बोल सकते, क्लियर है। तो लास्ट में यही लिखा था भाई उसने, आप देख सकते हैं, कलेक्शन इज नॉट अ सेट बिकॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट
वेल डिफाइंड. ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डेंजरस ऑफ डेंजरसनेस ऑफ द एनिमल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये पर्सन टू पर्सन बैठे, पर्सन से पर्सन में इसमें क्या आएगी, वेरिएशन आएगी. बोलिए क्लियर हुआ? तो अभी मैं जस्ट आपको सेट्स के बारे में बता रहा हूं, जस्ट सेट्स के बारे में कि सेट कब होता है, तो इतना सा आपको थोड़ा पता होना चाहिए. उसके बाद दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, और वो है बेटे हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो बच्चों, सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो वे रहते हैं. फर्स्ट, जिसे हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं या रोस्टर मेथड बोलते हैं, और दूसरा वे रहता है बेटे हमारे पास जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं या रूल मेथड बोलते हैं. तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने वे हैं. हालांकि छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है सब कुछ, हम जस्ट रिवाइज करवा रहे हैं आपको कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने वे हैं. तो सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म बोल देते हैं. या दूसरा तरीका है टेबुलर, या इसका दूसरा नाम रहता है, ये भी लिख देता हूं, रोस्टर फॉर्म. ठीक है, टेबुलर बोल देते हैं या रोस्टर फॉर्म बोल देते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का. और सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा वे होता है जिसे हम बोल देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. क्या बोल देते हैं भाई हम? सेट बिल्डर फॉर्म, ये इसका दूसरा नाम रहता है रूल मेथड. दूसरा नाम रहता है इसका रूल मेथड. तो सेट को रिप्रेजेंट करने के बेटा हमारे पास दो वे हैं. एक है टेबुलर फॉर्म, ठीक है, या जिसे हम रोस्टर फॉर्म भी बोल देते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम रूल मेथड भी बोल देते हैं. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे बेटे टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो टेबुलर फॉर्म में वो हमें क्या कह रहा है कि टेबुलर फॉर्म में बेटे हम क्या करते हैं कि सेट के पास जितने भी एलिमेंट हैं हमें वो सारे एलिमेंट लिखने पड़ते हैं. टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं बेटे, टेबुलर फॉर्म में सेट के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे लिखने पड़ते हैं, उन सबको लिखना पड़ता है, और उनको अलग अलग करने के लिए उनके बीच में कॉमा लगाना पड़ता है और उन्हें कर्ली ब्रेसेस में बंद करना पड़ता है. जैसे कोई मुझे बोले कि सेट ऑफ वॉवल्स लिखो, तो सेट ऑफ वॉवल्स आपको पता है ए होता है, ई होता है, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स हैं आपके भाई. सेट ऑफ वॉवल लिख रहा हूं मैंने, ए लिख दिया, ई लिख दिया, आई लिख दिया, ओ लिख दिया, यू लिख दिया. इन सबके बीच में मैंने इनको थोड़ा सेपरेट करने के लिए बीच में क्या लगा दिया, मैंने कॉमा लगा दिया, और इनको कर्ली ब्रेसेस में मैंने बंद कर दिया, कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने इसको बंद कर दिया. तो बेटे ये बना अब सेट, ये मैंने एक सेट लिखा हुआ है. कोई पूछे किस चीज का सेट लिखा है, तो मैं कहूंगा मैंने ये बॉबल्स का सेट लिखा हुआ है. किसका सेट लिखा है भाई? बॉबल्स का सेट लिखा हुआ है. और कोई पूछे ये कौन सी फॉर्म में लिखा है, तो आप कहेंगे ये टेबुलर फॉर्म में लिखा है, या किस फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है. तो क्या होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में, क्या होता है कि सेट के पास जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट लिखने पड़ते हैं, उनके बीच में हर एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाना पड़ता है, और उनको कर्ली ब्रैकेट्स में बंद करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट्स में उसको बंद करना पड़ता है. ठीक है जी. और दूसरी फॉर्म हमारी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या इसका नाम होता है रूल मेथड भी बोल देते हैं. रूल मेथड में बेटे क्या होता है कि हम सभी एलिमेंट नहीं लिखते, हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी लिखते हैं जो सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देती है. टेबुलर फॉर्म में मैंने क्या बताया, आपको सभी एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, सेट के पास जितने भी एलिमेंट है सभी को लिखो, कॉमा लगाइए बीच में उनको सेपरेट करने के लिए, और कर्ली ब्रेसेस में बंद करिए. और सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड में हम सभी एलिमेंट नहीं लिखते, हम एक ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी लिखते हैं जो सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देती है. ठीक है, अब मैं दोनों के एग्जांपल बताऊंगा तो यहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. जैसे इसमें इसने हमें बताया है कि जैसे एक एग्जांपल लिया इन्होंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5. क्या लिख रहे हैं जी हम? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे नेचुरल नंबर. अब 5 से छोटे नेचुरल नंबर यही है कि नहीं? अब ये है 5 से छोटे नेचुरल नंबर. पहली बात, किसी ने मुझे बोला कि इसे टेबुलर फॉर्म में लिखो, टेबुलर फॉर्म या इसका दूसरा नाम क्या होता है, रोस्टर. टेबुलर या रोस्टर, क्या कहा मैंने, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में बेटा हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं सबको लिखना पड़ता है,
सबको लिखना पड़ता है, पहला भी लिखो, दूसरा भी लिखो, तीसरा भी लिखो, फोर्थ भी लिखो, 1, 2, 3, 4 सारे एलिमेंट लिख दिए, उनके बीच में हमने कॉमास डाल दिए और उनको करली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। तो ये किस चीज का सेट लिखा मैंने, ये थे कौन से नंबर थे, 5 से छोटे नेचुरल नंबर। तो ये मैंने क्या लिखा है बेटे, 5 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट लिखा है। क्या लिखा है मैंने, ये 5 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट लिखा। और ये कौन सी फॉर्म में लिखा है सेट मैंने, ये लिखा है मैंने टेबुलर फॉर्म में, या ऐसे बोलते हम रोस्टर फॉर्म। अभी इसी सेट को अगर वो मुझे बोल दे, इसी सेट को आपने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, किसमें लिखना है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म बोल दो, ये इसका दूसरा नाम रहता है रूल मेथड, रूल मेथड भी बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं इसको हम, सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिखने, टेबुलर में हम सभी एलिमेंट को लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस में बंद करते हैं, यहां हम सभी एलिमेंट को नहीं लिखते, कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते। इनफैक्ट जो भी एलिमेंट है आपके, कौन है ये एलिमेंट आपका, 1 है 2 है 3 है 4 है, इन सब एलिमेंट का मैं एक नाम रख देता हूं, कोई जर्नल नाम रख देता हूं। तो ये रूल मेथड में मैं इसी सेट को लिख रहा हूं, हम बोलेंगे सेट के पास ये ब्रैकेट जो है, ये जो मैंने लगाई सेट की ब्रैकेट है, सेट के पास एक्स टाइप के एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ना 1, 2, 3, 4, उन एलिमेंट का मैंने एक नाम रख दिया, क्या एक्स, एक्स टाइप के एलिमेंट, एलिमेंट कोई नहीं लिखूंगा उनका, एक जर्नल नाम रख दिया एक्स, एक्स टाइप के एलिमेंट है। अच्छा दूसरी बात, ये कैसे हैं एलिमेंट जो है, कैसे हैं, नेचुरल नंबर है कि नहीं, फिर लिख दूंगा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल, बिलोंग मतलब एक्स नेचुरल नंबर के सेट में, तो एक्स इसको बिलोंग पढ़ते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब सेट के पास एक्स टाइप के एलिमेंट है और वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो क्या है, नेचुरल नंबर है। और मान लो मैंने यहां ब्रैकेट बंद कर दी, और अगर मैंने यहां ब्रैकेट यहां बंद कर दी तो गलत हो गया, क्या गलत हो गया, हम क्या कह रहे हैं, इस सेट के पास क्या है, एक्स टाइप के एलिमेंट है, और वो एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। अब एक्स नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर एक्स 1 भी हो सकता है, ठीक है, एक्स की जगह 1 आ सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एक्स की जगह 1, 2, 3, 4 ओके है, लेकिन नेचुरल अगर मैं लिख दूं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, नेचुरल तो 10 भी हो सकता है, तो एक्स को मैं 10 लिख सकता हूं क्या, यहां 10 है ऊपर के सेट में क्या। तो यहां एक छोटी सी चीज हमें और डालनी पड़ेगी कि एक्स नेचुरल नंबर है, एंड वो एक्स नेचुरल तो है लेकिन कौन से नेचुरल है बेटे, लेस देन 5। अब ये बिल्कुल, ये जो सेट मैंने लिखा है बेटा और ये जो सेट लिखा है दोनों एक ही है, ये सेट मैंने टेबुलर में लिखा है और ये सेट मैंने किसमें लिखा है, रूल मेथड में लिखा है। यहां से भी क्या मीनिंग निकलेगा, इस सेट को कोई पूछे क्या है तो आप बोलेंगे सर इस सेट के पास एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, और वो कौन एलिमेंट है, एक्स कौन है, नेचुरल नंबर है, और कौन से नेचुरल नंबर है, 5 से छोटे, और 5 से छोटे नेचुरल कौन होते हैं, अब एक्स 5 से छोटे नेचुरल, और 5 से छोटे नेचुरल बोलो 1, 2, 3, 4, वही तो लिखे थे ऊपर 1, 2, 3, 4। एक बच्चा यहां बोल सकता है कि सर ये जो आपने लेस देन 5 लिखा है, क्या मैं इसे लेस देन इक्वल टू 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है, वो भी ठीक बोल रहा है, एक्स को लिख दो लेस देन इक्वल टू 4। कि मैं क्या कह रहा हूं, इस सेट के पास एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, वो नेचुरल नंबर हैं, और कौन से नेचुरल नंबर हैं, 4 या 4 से छोटे, कौन से नेचुरल नंबर है, 4 या 4 से छोटे, 4 ये 4 से छोटा, 3, 4 लेना है, लेस देन इक्वल टू 4 है, 4 उससे छोटा, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 यही तो है। तो मतलब एक ही एग्जांपल को मैंने टेबुलर और रोस्टर में भी लिख के बताया और सेट बिल्डर और रूल में भी आपको बताया। तो यहां से आपको क्लैरिटी हो गया होगा कि टेबुलर फॉर्म में आप सभी एलिमेंट को लिखते हो, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए बीच में कॉमा लगाते हो, करली ब्रैकेट्स में बंद करते हो, और रूल मेथड में या सेट बिल्डर फॉर्म में आप सभी एलिमेंट नहीं लिखते हो, आप एक स्पेशल प्रॉपर्टी लिखते हो जो सबको सेटिस्फाई कर देती है। क्लियर है जी यहां तक? तो ये एग्जांपल नंबर जो 1 था बेटे, मैंने यहां भी करके दिखाया है और सामने भी करके दिखाया है। क्लियर हो गया? इस तरह से एक और एग्जांपल यहां हम ले रहे हैं आपके लिए, उस एग्जांपल में ये हमें कह रहा है सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, जैसे स्कूल है SCHOOL, ये स्कूल वर्ड है, और बोलता है स्कूल वर्ड में ये जो लेटर्स हैं, कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, स्कूल वर्ड में जो लेटर हैं, जैसे SCHOOL लेटर हैं, इनका एक सेट लिखो। तो सेट लिखना है, अब मैं टेबुलर में लिख रहा हूं इसको, तो इसे सेट में लिखना है, तो पहले मैं क्या लिख दूंगा, एस लिख दिया कॉमा, सी लिख दिया कॉमा, मैंने कहा ना लेटर्स जो भी हैं सभी लेटर लिखने पड़ेंगे, और बीच में कॉमा, एस सी
फिर H लिख दिया, कॉमा लगा दिया, O लिख दिया, कॉमा लगा दिया, नेक्स्ट O नहीं लिखना है क्योंकि सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। तो हमने आपको कहा था सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट, थर्ड नंबर पे बताया था डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट होते हैं सेट के पास अगर जितने भी एलिमेंट है सब डिस्टिंक्ट होते हैं। तो अगर ओ दो बार आ रहा है तो एक ही बार लिखा जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे हम, एल। तो ये स्कूल वर्ड था, उसके लेटर्स का मैंने क्या लिख दिया, सेट लिख दिया। स्कूल जो वर्ड था उसके लेटर्स का मैंने क्या लिख दिया, सेट लिख दिया। तो इस क्वेश्चन से मैंने आपको यह सिखाने की कोशिश की है कि सेट में कोई एलिमेंट बार बार नहीं लिखा जाता है। जो एलिमेंट जैसे ओ यहां दो बार आ रहा था लेकिन सेट में उसको एक ही बार लिखना है, क्यों, क्योंकि सेट की डेफिनेशन में तीसरे नंबर पे जो मैंने बात बताई है कि डिस्टिंक्ट, मतलब सेट के पास जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब ये सेट है, बिल्कुल है सेट, क्यों है सेट भाई, कलेक्शन के नाम पर यहां पर कलेक्शन है, पांच चीजों की कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है, हाँ वेल डिफाइंड है। अब इस सबको स्कूल को स्कूल ही बोलेंगे, ये सब इसको एस सी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको एच ई बोलेंगे, ओ ही बोलेंगे, एल ही बोलेंगे, वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है, सब डिस्टिंक्ट है, कोई सेम नहीं है, सबके सब डिस्टिंक्ट है, और ऑब्जेक्ट के नाम पे यहाँ अल्फाबेट है, ठीक है जी। तो ये हमने बता दी कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन वर्ड वर्ड स्कूल। तो यहां इस क्वेश्चन से आपने ये सीख लिया कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता है, ये चीज आपको सिखा दी हमने। एक और एग्जांपल यहां लिया हुआ है इसने, सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 100, क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 100, इसको लिखता हूं मैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े इवन नंबर, इवन नंबर 100 से बड़े, और ये कौन से नंबर है जी, सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 100, यहां थोड़ा ठीक करना चाहिए, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर कर देता हूं। तो 100 से बड़े नेचुरल नंबर, 102 हो गया, और इवन भी लेने, 102, 104, 106, 108, और इसको एंडलेस हो जाएगा बेटा। मतलब अगर इसे आपको कोई बोले कि किसमें लिखना है भाई, इसे आपने टेबलर फॉर्म में लिखना है फिर तो बड़ा मुश्किल है, और कोई बोले नहीं लिखना ही लिखना है तो लिख दो, तो फिर 100 से बड़े 102 हो गया, 104 हो गया, 106 हो गया, 108 हो गया, आगे सोन कर दीजिए, करली ब्रेसेस में बंद कर दीजिए, तो ये किस चीज का सेट आ गया, इवन नेचुरल नंबर 100 से बड़े, 100 से बड़े इवन नेचुरल नंबर। और ये किस में लिखा मैंने, टेबलर में, सारे एलिमेंट लिखे कि नहीं, अब सारे जहां पॉसिबल नहीं है वहां आगे क्या लगा देते हैं हम, सो ऑन लगा देते हैं, और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, इवन नेचुरल नंबर है, और 100 से बड़े हैं, तो ये टेबुलर फॉर्म लिख दी मैंने, या रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। इसी को अगर बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसका दूसरा नाम रहता है रूल मेथड भी बोलते हैं इसको, हाँ सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। तो हमने कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना था, इन सभी एलिमेंट का एक जर्नल नाम डालना था, क्या, एक्स, एक्स या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं एक्स, और ये जो मैं दो डॉट लगा रहा हूं सच दैट होता है, एक्स सच दैट, एक्स क्या है जी, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर तो है लेकिन कैसे नेचुरल नंबर है, ये इवन नेचुरल नंबर है, एक्स नेचुरल नंबर तो है लेकिन कैसे नेचुरल नंबर है, कौन से नेचुरल नंबर है, ये इवन है। तो ये देखिए, ये लिखा है x such that, x लिख के लिखा है x equals to 2n, जर्नल 2n का मतलब होता है इवन, देखो ना 2 है, 2 के साथ n की जगह जो मर्जी नंबर डाल दो आप, जो मर्जी आप 1 रख दो, n की जगह 2 रख दो, 2 के साथ n की जगह 3 रख दो, ये सारे इवन ही होंगे, 2 1 का 2 इवन है, 2 2 का 4 इवन है, 2 3 का 6 इवन है। तो जर्नल इवन लिखना हो ना तो हम क्या लिख देते हैं, 2n, आपको पता होगा 2n हमेशा इवन होता है। तो हमने कहा कि सेट के पास x टाइप के एलिमेंट हैं और वो x कैसे हैं, इवन नंबर हैं। अरे इवन है कि नहीं, 102, 104, 106, 108 इवन है कि नहीं, ठीक है। और ये जो n है, ये n आपने क्या लेने हैं भाई, नेचुरल लेने हैं, ठीक है। अब आप, मैं अगर इस n को मेंशन ना करूं तब तो कोई बोल देगा जी n को मैंने 1/2 ले लिया, एन को मैंने 1/2 ले लिया, और 1/2 से 2 कट गया तो एक्स 1 आ जाएगा। तो एन नेचुरल नंबर है और वेरी इंपॉर्टेंट। अब एन आपको क्या लेना पड़ेगा बताइए, आपको कौन से नंबर लेने हैं, 100 से आगे। तो ये जो एन है नेचुरल नंबर तो है लेकिन ये एन आपको क्या लेने पड़ेंगे, ग्रेटर देन 50, 50 से बड़े नेचुरल नंबर। 50 से बड़ा नेचुरल क्या होगा, 50 से बड़ा पहला बड़ा नेचुरल नंबर क्या, 51,
और 51 इंटू टू क्या हो जाएगा 102, वो समझे कि नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू 50 भी नहीं ले सकता मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करता n को 50 रखता तो 2 इंटू 50 कितना हो जाता 100, 100 यहां नहीं है तो क्या लिखना पड़ रहा है मेरे को यहां सिर्फ ग्रेटर देन 50, क्या लिखना पड़ रहा है ग्रेटर देन 50, नहीं समझे। तो इस सेट का और इस सेट का एक ही मतलब है, x टाइप के एलिमेंट हैं वो क्या हैं इवन नंबर हैं नेचुरल हैं, और कौन से n क्या लेना है आपको 50 से बड़ा लिखना पड़ेगा। बोलिए ये चीज भी आपको क्लियर हुआ? तो ये चीज भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, मेरे ख्याल से ये भी मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज बता के मैं इस चैप्टर को इस लेक्चर को खत्म करता हूं, लास्ट स्लाइड चल रही है। अब इसमें एक टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, नोटेशन। नोटेशन क्या होती है? नोटेशन जैसे बेटे नोटेशन में जैसे मैंने ये लिखा, ये सेट ऑफ बॉवल लिखा भी मैं सिखा के आया हूं आपको, सेट ऑफ बॉवल लिखा है मैंने यहां पे आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, सेट ऑफ बॉवल मैंने लिखा है ए ई आई ओ यू। अब ये सेट ऑफ बॉवल है, आप यहां गौर से देखें ना तो जो सेट ऑफ बॉवल में सेट का नाम है वो मैंने कैपिटल लेटर से रखा है ए, और सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनको मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है। इन जनरल हम यही कहते हैं कि सेट का नाम, जैसे सेट ऑफ बॉवल लिखना है आपने तो आप लिखते हो ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो सेट के और इस सेट का अगर कोई नाम देना हो तो जैसे मान लो मैंने कैपिटल ए दे दिया, कुछ भी बोल सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कुछ भी, मतलब सेट। अब कोई पूछे तो ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है सेट है, और इस सेट का नाम क्या रखा है मैंने कैपिटल ए, मतलब सेट का नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर से रखते हैं, और सेट के पास ये जो जो ये है ए है ई है आई है ओ है यू है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन्हें हम क्या बोलते हैं सेट के एलिमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स ना बोलना हो तो क्या बोल देते हैं हम मेंबर्स बोल देते हैं, ये जो ए लिखा है ई आई ओ यू इन्हें क्या बोलते हैं हम एलिमेंट बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं मेंबर्स बोल देते हैं। और बेटे ये जो मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जब हमें लिखना है तो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं ए ई आई ओ यू, तो इनको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से रखो, उसके एलिमेंट्स का नाम उसके एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखो, ठीक है। ये चीज पता लग गई आपको, तो पहली चीज मैंने यही बताई, क्लियर है। तो ये लिखा है सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, एंड देयर एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स, क्लियर हो गया यहां तक। उससे अगली चीज बेटे ये होती है कि जैसे अब ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने बॉबल्स का सेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने आपको चीज सिखा दी। अब जैसे आप यहां देख रहे हैं कि जो ई है ना, ई जो एलिमेंट है ये सेट ए में है कि नहीं, ये पूरा का पूरा सेट है और ई जो है सेट ए में है, तो हम लिखेंगे ई बिलोंग्स टू ए, कि जो ई है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। जैसे मैंने लिखा ई बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ई जो है वो सेट ए में है, तो हम इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ई बिलोंग्स टू ए। यू भी है तो मैं बोलूंगा यू बिलोंग्स टू ए, यू ए को बिलोंग कर रहा है। आई भी है तो मैं लिखूंगा आई बिलोंग्स टू ए, ए भी है स्मॉल ए भी है तो मैं लिखूंगा ए बिलोंग्स टू ए, क्लियर। अब जैसे यहां जो एलिमेंट नहीं है उसकी बात करता हूं, जैसे एम यहां नहीं है ना, आप देख रहे हैं एम नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा एम नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स के ऊपर ऐसे लाइन लगा दो, इसे बोलेंगे एम नॉट बिलोंग्स टू ए, क्या बोलेंगे इसको एम नॉट बिलोंग्स टू ए। ये बोल सकते हैं एम इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, ये बोल सकते हैं एम इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, और इन्हें क्या बोल सकते हैं ई बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, या ई इज अ मेंबर ऑफ ए, ए इज अ मेंबर ऑफ ए, आई इज अ मेंबर ऑफ ए, या यू इज अ एलिमेंट ऑफ ए। अगर सेट में है तो उसका मेंबर है एलिमेंट है उसको बिलोंग कर रहा है, सेट में नहीं है तो उसका मेंबर नहीं है उसका एलिमेंट नहीं है उसको बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये मैंने अभी सेट्स का बिल्कुल टोटल बेसिक मैंने अभी आपको सेट्स का बताया है, टोटली बेसिक बताई है चीज, ठीक है। तो यहां तक आपका ये पहला चैप्टर पहला लेक्चर मैंने बताया है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे बढ़ेंगे।